सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर ईयरली करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज और अपडेट्स थे, खासकर लास्ट मंथ्स की अगर बात करें तो उन्हें हम आज क्विज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे अगर प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग, SSC या किसी भी एग्जाम की, तो टॉप 50 क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके साथ ऑलरेडी जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का शो होता है मंडे टू फ्राइडे, जहां पर हम डिटेल में करंट अफेयर्स को डेली डिस्कस करते हैं, आप देखेंगे मोस्टली सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ कवर किए हुए हैं, ठीक है, कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता अगर आप हमारा डेली वाला शो देखते हैं करंट अफेयर्स का तो आपको ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। और इन द एंड आप मेरे को बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आज 31 दिसंबर है, इसीलिए आज हम ये लेके आए शो, यानी पूरे साल के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि अगला साल कम से कम 2021 अच्छा रहे और ये COVID-19 जो पेंडेमिक है वो चला जाए, इसी उम्मीद के साथ, ठीक है, आज न्यू ईयर को भी वेलकम करेंगे। और उससे पहले डिस्कस ये जरूरी है कि हम कर लें फिर, और मंडे से तो फिर आपको पता ही है डेली न्यू ईयर से क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं आखिरी दिन पूरे साल 2020 के टॉप 50 क्वेश्चंस को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला है, किस स्टेट को भी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक अवार्ड दिया था फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं उनको प्रिवेंट करने में, कंट्रोल करने में किस स्टेट को ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस ने दिया है? क्या कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है या आंध्र प्रदेश है? तो आप देखेंगे, देखिए हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छा अगर हम बात करें तो केरला स्टेट का माना जाता है, ठीक है, और स्टार्टिंग में तो उन्होंने कोविड को काफी हद तक अच्छे तरीके से कंट्रोल भी किया था। अब यह है कि थोड़े केसेस वहां बढ़े हैं कुछ टाइम पहले, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने काफी अच्छा कंट्रोल किया था, टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी डोर टू डोर, बट ठीक है। तो ये अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशंस ने केरला, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ने ये अवार्ड दिया है, ठीक है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर टू क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ट्राई, जो आपको पता है जितने भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज है आज के टाइम पे, देखिए मेन चार ही रह गई हैं, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, एयरटेल और BSNL। तो उन्हें बेसिकली रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई गई है। तो इसके अभी हाल ही में किन्हें अपॉइंट किया गया इसके नए चेयरमैन के तौर पे, क्या वो राम सेवक शर्मा है, राजेश खुल्लर है, PD वाघेला है या समीर खरे है? तो देखिए पहले तो इसके राम सेवक शर्मा हुआ करते थे, RS शर्मा, लेकिन अब जो है नए जिन्हें बनाया गया वो है PD वाघेला। तो PD वाघेला सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीएम मोदी ने कुछ टाइम पहले पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, जिसका नाम अटल टनल भी रखा गया, उसे रोहतांग के अंदर इनॉग्रेट किया था, जो हिमाचल प्रदेश में है, उसकी आपको लेंथ बतानी है उस टनल की कितनी है, ठीक है। आपको काफी क्लोज ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, 8.50 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 9.65 या 10.50। तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो ही आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। और आप देखेंगे खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस ही आते हैं, यानी काफी डिटेल में। ये क्वेश्चन तो ठीक है कि अटल टनल कहाँ पे लोकेटेड है, रोहतांग कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उसके अगर आपसे लेंथ पूछ ली जाए कि उस टनल की लेंथ कितनी है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, बी ऑप्शन यानी 9.02 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो नोबेल प्राइज दिए गए हैं, नोबेल प्राइज इस साल दिए गए हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन की फील्ड में, जो अवार्ड दिया गया था जिन 3 साइंटिस्ट को, वो किस वायरस की डिस्कवरी के लिए दिया गया था? क्या इबोला वायरस की डिस्कवरी के लिए दिया गया था, हेपेटाइटिस सी, H1N1 या COVID-19, ठीक है। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है, देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स हो सकते हैं इसका आंसर COVID-19 मार्क कर दे, तो इसका आंसर नहीं है, हेपेटाइटिस सी का इन्होंने वायरस को बेसिकली डिस्कवर किया था। और ऐसा नहीं था कि नए नए स्ट्रेन आते रहते थे, आपने सुना होगा COVID-19 के नए स्ट्रेन देखे जा रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन मतलब कुछ टाइम बाद ही अपने एक तरीके के जो इनका आकार होता है, एक वायरस का स्ट्रक्चर होता है, वो उसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जिस वायरस की डिस्कवरी की थी वो थी हेपेटाइटिस सी का एक नया स्ट्रेन, तो इसलिए इनको ये अवार्ड जो है मेडिसिन की फील्ड में दिया गया था। 3 साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेस, रीनहार्ड गेंजल, इन्हें नोबेल प्राइज 2020 जो है किस कैटेगरी में मिला था, ये आपको बताना है, क्या फिजिक्स की फील्ड में मिला था, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या इकोनॉमिक साइंसेज? तो ये जो अवार्ड है मिला था ए ऑप्शन यानी फिजिक्स के फील्ड में, ये 3 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला था, रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेस और रीनहार्ड गेंजल। अब इनका नाम नोट डाउन कर लें,
एक और देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया, इसका आप मेरे को आंसर बताएं। दिनेश कुमार खारा को किस बैंक के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या कैनरा बैंक है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है वो है ई ऑप्शन, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के तौर पे हाल ही में दिनेश कुमार खारा जी को अपॉइंट किया गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप मेरे को इसका आंसर बताएं। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो इकोनॉमी है वो 2020-21 में कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये आपको बताना है। इसके बारे में देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये तो आपको एक बार देखिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये कंफर्म है, ये बात तो आरबीआई ने भी बता दिया है, सभी जितने भी चाहे इंटरनेशनल या आरबीआई जो एजेंसीज है उन्होंने कंफर्म किया कि इस साल जो है भारत की इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में रहने वाली है। लेकिन कितने परसेंट से ये वर्ल्ड बैंक का अलग प्रेडिक्शन है, आईएमएफ का अलग है, जो भारत सरकार रिलीज करती है डाटा वो अलग होता है, आरबीआई अपना प्रेडिक्ट करती है। तो आपको सभी के डाटा पता होना चाहिए, इसका आप मेरे को आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो चौथे डिप्टी गवर्नर आरबीआई के किन्हें अपॉइंट किया गया। टोटल आपको पता है जो आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हेड होते हैं इनके वो गवर्नर होते हैं, उनके नीचे चार डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी इन्हें अपॉइंट किया गया है फोर्थ डिप्टी गवर्नर के तौर पे, तो इसका चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, एम राजेश्वर राव, एन एस विश्वनाथन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या कौशिक बासु। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी एम राजेश्वर राव, ठीक है। इसका आप आंसर मेरे को बताएं कि हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कुछ टाइम पहले जो इसकी मिनिस्ट्री देख रहे थे जो है उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब उसके बाद ये एडिशनल चार्ज किसे दिया गया ये मेरे को आपको बताना है, ठीक है। तो आपको देखो चिराग पासवान के जो फादर थे वो इस मिनिस्ट्री को देखते थे, तो अब ये चार्ज किसे दिया गया, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले ही, अभी जस्ट बिहार इलेक्शन से पहले ही, ठीक है। तो आपको मेरे को बताना है इसका आंसर। आगे अगर बात करें तो हु हैज वन द नोबल प्राइज 2020 इन पीस कैटेगरी, तो पीस कैटेगरी में नोबल प्राइज 2020 किसे दिया गया। देखिए मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बता दिया, फिजिक्स का किसको मिला था, ठीक है। पीस कैटेगरी में किसको मिला, क्या ग्रेटा थनबर्ग को मिला जो कि एक आपको पता है सोशल क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, एंटोनियो गुटरेस जो कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको लीड करते हैं उसके हेड है यूनाइटेड नेशंस के, जैकिंडा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये देखिए इस बार जो है 2020 में नोबल प्राइज पीस की कैटेगरी में मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिनका काम है बेसिकली जितने भी खासकर जो वार टोन कंट्रीज है जैसे इस यमन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इसके बाद भी और भी अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में ये जो नीडी पीपल होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी जितनी और भी ऐसी कंट्रीज है जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पे भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए इस बार और एक तरीके से आपने देखा होगा कि क्यों लोग जैसे हथियार उठाते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन अगर आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, आपके अगर आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं अगर वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ का जो भी लीड करते हैं अगर वहाँ मोनार्की है तो अगर वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, आपके पास खाना खाने को नहीं है, तो ऑब्वियसली बात अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो आप जो है कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव फिर करते हैं, आप चाहे चोरी करोगे कुछ भी करोगे। तो इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये खाना प्रोवाइड करते हैं और इससे कहीं ना कहीं तरीके से पीस एस्टेब्लिश होता है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें इस बार का ये अवार्ड 2020 का दिया गया है। ये आप मेरे को बताएं इसका आंसर कि फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस का सिंगल टाइटल किसे मिला है, आप मेरे को फ्रेंच ओपन का भी बताएं और इटालियन ओपन का भी बताएं, दोनों का बताएं। और चारों ही ऑप्शंस काफी पास पास है, रफेल नडाल नोवेक जोकोविच, डोमिनिक थीम या रोजर फेडरर। तो किन्हें ये अवार्ड मिले, फ्रेंच ओपन का भी आप मेरे को बताओ और इटालियन ओपन का भी, ठीक है, आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। एक और मैं चाहता हूँ आप मेरे को बताएं आईएमएफ का प्रोजेक्शन, अभी मैंने आपके साथ बात की थी वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन की, वैसी आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है जो उनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी कितने से स्लंप करेगी, कितने से गिरेगी 2020 के अंदर। तो आपको मेरे को दोनों का ही बताना है, वर्ल्ड बैंक का भी और आईएमएफ का भी, ठीक है। तो ये आप मेरे को दोनों परसेंटेज बताएं। और हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है $400 मिलियन का, मालदीव्स, मॉरिशियस, इंडोनेशिया या श्रीलंका, ठीक है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स के साथ ये लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट साइन किया गया है बेसिकली वहाँ के प्रोजेक्ट जो है उनको पूरा करने के लिए, तो मालदीव्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया। आगे अगर बात करें तो आप मेरे को ये बताएं कि भारत का क्या रैंक रहा है रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में,
इस बार भारत का रैंक काफी मतलब पुअर रहा। अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसका रैंक काफी अच्छा हो सकता है अगर सभी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इसके अलावा जितने एनजीओ और एज एन इंडिविजुअल हम सभी भी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं तो भारत काफी अच्छे इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। बट स्टिल आपने कोई रैंक बताएं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का इस बार क्या रैंक रहा है? ठीक है, फिर अगर बात करें तो मैरिटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 20 किन दो देशों के बीच में हुई है हाल ही में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका की जो नेवीज है उनके बीच में स्लीनेक्स 20 जो है एक्सरसाइज हाल ही में हुई थी। ठीक है, तो जिसका स्टार्टिंग वर्ड है SL, वहां से आप याद रख रहे हैं श्रीलंका और आई का मतलब है इंडिया। ठीक है, तो SLI आप देखोगे तो श्रीलंका और इंडिया, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आप मेरे को आप बताएं इसका आंसर कि वर्ल्ड बैंक ने कितना पैसा प्रपोज किया है कि वो पुअरेस्ट कंट्रीज जो है उनको COVID-19 की फाइट करने में हेल्प करेंगे वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये आप मेरे को बताएं कि वर्ल्ड बैंक कितना पैसा उन्होंने प्रपोज किया है कि वो पुअरेस्ट कंट्रीज को COVID-19 के फाइट में हेल्प करेंगे। और जितने भी आपको ये आंसर्स अगर नहीं आते तो मैं आपको इन द एंड इसका इसके आंसर्स भी शेयर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने डेली करंट अफेयर शो में, इसलिए मैं मैक्सिमम के आंसर आपको बता रहा हूँ लेकिन मैं कुछ चाहता हूँ आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पंचायती राज का एडॉप्शन इन विच यूनियन टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो देखिए आपको पता है क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो अभी हाल ही में बनी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पहले पंचायती राज एक्ट यहाँ पे नहीं था, और दिल्ली और पुडुचेरी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत पहले से यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसका तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते COD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन, यानी जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार जो है पंचायती राज एक्ट को एडॉप्ट किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर लें। यूनाइटेड नेशंस डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? जब मेरे को बताएं यूनाइटेड नेशंस को अब आई थिंक सो 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो लेकिन उसका डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अक्टूबर 21, 22, 23 या 24, काफी न्यूज में रहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 इनमें से किस एजेंसी या किसी पर्सन को मिला है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ग्रीन पीस, ग्रीन क्लाइमेट फंड या ग्रेटा थनबर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ये भारत की एक तरीके से एनजीओ हम कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो कि खासकर क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में इनका काफी एक मतलब अगर इंडिया में पर्सपेक्टिव चाहे छोटे लेवल पर भी इन्होंने शुरुआत करी है, लेकिन धीरे धीरे जब इस तरीके के इन्हें अवार्ड दिए जाते हैं तो और ज्यादा इन्हें रिकॉग्निशन भी इंटरनेशनली मिलता है, तो इस बार ये अवार्ड जो है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE को मिला है। आगे अगर बात करें तो हु हैज डेवलप्ड अ मैसेजिंग एप्लीकेशन कॉल्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट? तो क्या वो इसरो है, DRDO है, इंडियन आर्मी है या IIT बॉम्बे है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी इंडियन आर्मी ने इस मैसेजिंग एप्लीकेशन को जो है डेवलप किया है बेसिकली ताकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कहीं लीक ना हो, अनऑथराइज्ड लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए ये सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नाम का मैसेजिंग एप्लीकेशन इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है और चाहते हैं कि जितने भी उनके काम करने वाले एम्प्लॉइज है वो इसी को ही यूज करें, ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, विच नेशन ज्वाइंड इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान इन मालाबार एक्सरसाइज? तो मालाबार एक्सरसाइज पहले देखिए सिर्फ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुआ करती थी, फिर इसका मेंबर जापान बना, और अब चौथा कंट्री कौन है जिसने इसे ज्वाइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है मालाबार एक्सरसाइज के। आगे है, विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड इट्स ओन UPI पेमेंट फीचर इन इंडिया? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वी चैट या फेसबुक मैसेंजर? तो अगर आप देखिए व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको दिखेगा ये फीचर, व्हाट्सएप के थ्रू आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं, पहले फीचर अवेलेबल नहीं था। तो अगर आप किसी अपने फ्रेंड को पैसा देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू भी डायरेक्टली UPI फीचर को यूज करते हुए पैसा ट्रांसफर आप कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें तो एशिया का पहला सोलर पावर टेक्सटाइल मिल इनमें से किस स्टेट में सेटअप किया जा रहा है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटका? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र के अंदर जो है भारत का पहला सोलर पावर टेक्सटाइल मिल को जो है वो सेटअप किया जा रहा है। कौन सा देश है जो G20 समिट होस्ट करेगा 2023 के अंदर? इटली, इंडोनेशिया, इंडिया या ब्राजील? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी इंडिया। वैसे देखिए इंडिया को वैसे 2022 में से होस्ट करना था लेकिन COVID-19 की वजह से भी जो है इसको एक साल अभी डिले हो चुका है, तो अब भारत G20 समिट 2023 में होस्ट करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंडिया। आप लेकिन 2021-22 का भी नोट डाउन कर लें।
आगे बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सौरभ गांगुली, इमरान ख्वाजा, ग्रेग बकले या मनु सहनी। तो देखिए सौरभ गांगुली तो आपको पता है प्रेजेंट बीसीसीआई के प्रेजिडेंट है, ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकते। मनु सहनी जो है वो आईसीसी के सीईओ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यानी ग्रेग बकले। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं ग्रेग बकले, तो इन्हें अब चेयरमैन अपॉइंट किया गया है आईसीसी का, जो कि क्रिकेट का आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। आगे अगर बात करें तो विच प्राइवेट बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। तो डीबीएस बैंक इंडिया जो कि सिंगापुर बेस्ड है, उसके ऑपरेशंस इंडिया में भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इनकी ब्रांचेज आपको मिल जाएंगी खासकर मेट्रो सिटीज में ही। देखिए भी जितने भी आपको फॉरेन बैंक्स होते हैं उनकी ज्यादातर आपको ब्रांचेस मेट्रो सिटीज में ही देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी किस प्राइवेट बैंक का इसके साथ मर्जर हुआ है, क्या वो लक्ष्मी विलास बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक, क्योंकि तो लक्ष्मी विलास बैंक की लगातार जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, खासकर इनके एनपी लगातार बढ़ रहे थे, तो इसलिए आरबीआई ने ये डिसाइड किया और डीबीएस बैंक के मैनेजमेंट की भी वो परमिशन लेते हुए इसको इस बैंक के साथ मर्ज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, डीबीएस बैंक की भी प्रेजेंस बढ़ चुकी है काफी ज्यादा, क्योंकि साउथ बेस्ड बैंक है, सदर्न स्टेट्स में इसकी काफी ज्यादा अच्छी प्रेजेंस थी, तो इनकी भी प्रेजेंस बढ़ गई और लक्ष्मी विलास बैंक को भी एक तरीके से कोई एक बैंक चाहिए था किसी का सपोर्ट ताकि ये आगे काम कर सके, तो इसका लक्ष्मी विलास बैंक का इसके साथ मर्जर किया गया है। नेक्स्ट अब आप मेरे को इसका आंसर बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्या 24 नवंबर, 26 नवंबर, 23 नवंबर या 25 नवंबर, ठीक है, क्योंकि इसी दिन ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया था। फॉर्मली देखिए 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तभी हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसे अडॉप्ट कब किया था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ये आप मेरे को बताएं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अडॉप्ट नवंबर मंथ में किया गया था, लेकिन इसे एनैक्ट जनवरी मंथ में किया गया था 26 जनवरी को, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। फुटबॉल लेजेंड डियागो मैराडोना, हाल ही में उनकी डेथ हुई थी, तो किस देश के नेशनल फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करते थे, क्या वो जर्मनी है, फ्रांस है, अर्जेंटीना है या ब्राजील है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यानी अर्जेंटीना के ये प्लेयर थे, नेशनल फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, वहीं से ही आपको पता है लायनल मेसी भी आते हैं, तो ये अर्जेंटीना के प्लेयर थे, काफी फेमस थे, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के अंदर, और एक बार ये उस टीम का भी मेंबर थे जब ये फीफा वर्ल्ड कप जीते थे, तो इसलिए उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, तो अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगर बात करें तो भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को सिलेक्ट किया गया है इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर, जो ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड्स होते हैं सबसे बड़े, आपको पता है फिल्म या एंटरटेनमेंट के फील्ड में अवार्ड दिए जाते हैं, तो भारत की तरफ से कौन सी ऑफिशियल एंट्री है, क्या वो द स्काई इज पिंक है, जलीकट्टू है, छपक है या गुलाबो सिताबो है, तो इसका करेक्ट आंसर है जलीकट्टू, ठीक है, जलीकट्टू मूवी को ऑफिशियल एंट्री भारत के ऑस्कर के लिए, ठीक है। अब अगले साल 2021 में अवार्ड्स अनाउंस किए जाएंगे, कि जो भी उसमें जीतेगा जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे अगर बात करें, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है कि विच नेशन टॉप फीफा फाइनल रैंकिंग्स लिस्ट फॉर 2020, तो 2020 की जो रैंकिंग है फीफा की उसे किसने टॉप किया है, बेल्जियम, ब्राजील, फ्रांस या स्पेन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यानी बेल्जियम ने जो है इस फीफा फाइनल रैंकिंग जो है 2020 की उसे टॉप किया है बेल्जियम ने, ठीक है, आपको पता है यूरोपियन कंट्री है। आगे अगर बात करें तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने भारत का सबसे बड़ा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर किस कंपनी के साथ साइन किया है, BHEL, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, L&T या टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ जो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने ये MOU साइन किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में जो है सबसे बड़ा अब तक का भारत का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी आप अगेन मेरे को इसका आंसर आप बताएं, भारत की इकोनॉमी कितने से कॉन्ट्रैक्ट करी है सेकेंड क्वार्टर के अंदर 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर, ये देखिए जो डाटा है ऑफिशियली गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, तो सेकेंड क्वार्टर में कितने से भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है आपको मेरे को बताना है कमेंट करके, ठीक है। आप मेरे को बताएं विच वर्ड हैज बीन नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा सिलेक्ट किया है, चारों ही वर्ड्स देखिए आपको बहुत ज्यादा 2020 के अंदर यूज किए गए हैं, COVID-19, पेंडेमिक, लॉकडाउन या क्वारंटीन, तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन यानी क्वारंटीन को सिलेक्ट किया गया इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। नेक्स्ट अगर बात करें तो विच क्रिकेटर हैज बिकम द फास्टेस्ट टू स्कोर 12,000 ODI रन, सो 12,000 ODI रन स्कोर करने वाले सबसे फास्टेस्ट क्रिकेटर इनमें से कौन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल या शिखर धवन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यानी विराट कोहली भारत के पहले सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो विच नेशन हैज बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव यूज ऑफ पिफ्सर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन, तो पिफ्सर बायोएनटेक कोविड
को किस देश ने सबसे पहले अप्रूव किया था, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूनाइटेड किंगडम या रशिया? तो इसका अपने आंसर मैं आपका डिस्कस भी किया था, यूनाइटेड किंगडम पहला देश है जिसने इस वैक्सीन को अप्रूव किया। तो उसके बाद काफी सारे और भी देश है, अब तो अमेरिका भी कर चुका है, सऊदी अरेबिया भी कर चुका है, कनाडा भी कर चुका है इस वैक्सीन को अप्रूव, ठीक है। और वहां तो देखिए डोजेस देना भी स्टार्ट हो चुका है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के, किस प्राइवेट बैंक के डिजिटल लॉन्चेस और क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशंस को जो है वो होल्ड किया है? ये देखिए मेरे को आप इसका कमेंट करके आंसर बताएं, किस प्राइवेट बैंक के डिजिटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं खासकर क्रेडिट कार्ड वगैरह, उनके ऑपरेशंस को भी रिजर्व बैंक ने कुछ टाइम के लिए होल्ड किया है, खास क्योंकि काफी सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे उस क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने में। तो किस बैंक के इन इसको डिजिटल लॉन्चेस को होल्ड किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। इसका भी आप मेरे को आंसर बताएं कि फिक्की के प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है 2020-21 के लिए, ठीक है? क्या वो संगीता रेड्डी है, शशि एस वेम्पाती है, आर नारायण है या उदय शंकर है, ठीक है? ये आप मेरे को बताएं कि इन चारों में से किन्हें अपॉइंट किया गया फिक्की के प्रेसिडेंट के तौर पे 2020-21 के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में नेपाल और चाइना ने एक बार दोबारा से माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर किया था, तो अब उसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, इसका आपको बताना है 8848.86.36.58 या 0.62। तो देखिए पहले से 0.86 मीटर जो है देखा गया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पहले से बढ़ गई है, तो पहले 8848 मीटर हुआ करती थी, तो अब कितनी है 8848.86। तो ऑप्शंस काफी क्लोज है लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो 0.86 मीटर से उसकी हाइट अब ज्यादा पाई गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ये कैलकुलेट की गई थी। कौन सा देश है जो 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट को होस्ट करेगा, ठीक है? क्या वो जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है? तो आप मेरे को बताएं, क्योंकि वैसे ही हमेशा जो है मीटिंग दावोस में हुआ करती है, आपको पता होगा दावोस के अंदर ही हर बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है कोविड की वजह से इसे सिंगापुर में शिफ्ट किया गया है। इसका आंसर आप नोट डाउन भी कर ले, सिंगापुर में जो है इस बार 2021 में मीटिंग होगी, वैसे हमेशा दावोस सिटी में होती थी लेकिन इस बार जो है इसे कोविड की वजह से ट्रांसफर किया गया है, सिंगापुर में 2021 की मीटिंग होगी। आगे अगर बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ द WHO फाउंडेशन, तो WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया, रमन गंगा खेड़कर जो कि कुछ टाइम पहले तक ICMR को हेड करते थे, अनिल सोनी, बलराम भार्गव या रणदीप गुलेरिया? तो बलराम भार्गव तो देखिए प्रेजेंट ICMR को हेड कर रहे हैं तो ये तो हो नहीं सकते, रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर है तो ये भी नहीं हो सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी अनिल सोनी जो है पहले WHO फाउंडेशन के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। लास्ट 10 कौन क्वेश्चन की इंडिया वॉज रैंक एट विच पोजिशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, तो आप मेरे को बताएं, भारत का अंडर 10 ही रहा है रैंक लेकिन 6, 8 या 10, ये आपको मेरे को बताना है, 12 तो नहीं है इसका आंसर, तो 6, 8 या 10 क्या आप मेरे को बताएं कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2021 में भारत का क्या पोजिशन रहा है। चलो मैं और आपको बता देता हूँ, 6 भी नहीं है, 8 तो 10th में से आप मेरे को बताएं, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट वाज इंडियाज मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑन गूगल इन 2020, 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा भारत के अंदर कौन सा वर्ड सर्च किया गया, क्या वो कोरोना वायरस है, यूएस इलेक्शन रिजल्ट, बिहार इलेक्शन रिजल्ट या इंडियन प्रीमियर लीग? अब अगेन बहुत सारे एस्पायरेंट्स इसका आंसर ए कोरोना वायरस मार्क करेंगे लेकिन यह गलत आंसर है, ये सरप्राइजिंग था कि इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इंडियन प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा सर्च किया गया 2020 में गूगल पर वर्ड है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर करें। आगे बात करें तो आरबीआई का पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इनमें से किस सिटी के अंदर सेटअप किया जा रहा है, क्या वो पुणे है, लखनऊ है, जयपुर है या दिल्ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी जयपुर के अंदर भारत का पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर को सेटअप जो है सेटअप किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी यानी अब 2021 को जो आ रहा है रिपब्लिक डे, भारत के चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, क्या वो बोरिस जॉनसन है, जो बाइडन है, योशिहिडे सुगा है या मून जाए इन है? बोरिस जॉनसन आप सभी को पता है यूके के प्राइम मिनिस्टर है, जो बाइडन तो देखिए अभी होना है इनको, अभी तो इनका शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ, ये अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये भी अभी तो नहीं हो सकते, अभी तो देखिए इन्होंने शपथ भी नहीं ली। योशिहिडे सुगा जो है ये जापान के प्राइम मिनिस्टर है, पहले शिंजो आबे होते थे लेकिन वो काफी बीमार थे, इस वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया था हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो अब योशिहिडे सुगा वहां के प्राइम मिनिस्टर है ये भी नहीं है, और मून जाए इन साउथ कोरिया के, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बोरिस जॉनसन, आपको मैंने बताया भी था, ठीक है? तो वो इस बार भारत के 26 जनवरी को, अभी तक तो देखिए यही है लेकिन अभी जैसे यूके के अंदर एक नया कोविड स्ट्रेन देखा गया तो हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो यही है कि आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 में से किने
इस नेम किया गया है, सिलेक्ट किया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। क्या वो शांति राघवन है, अशरफ पटेल है, प्रेमा गोपालन है, या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी अशरफ पटेल को सिलेक्ट किया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। जरूर इसका नाम नोट डाउन कर ले। भारत का क्या रैंक रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में? तो अगेन भारत का रैंक इस पर जितने भी तरीके के इंडेक्स रिलीज हुए हैं काफी पुअर रहा है, तो 125, 129, 131 या 133। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी 131 भारत का रैंक रहा है। ठीक है, पहले से भी दो रैंक नीचे गिर गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट जैसे फैक्टर्स होते हैं वहाँ किसी भी देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का ओवरऑल किसी भी पर्सन का जो बेसिक नीड्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो भारत का रैंक काफी पुअर रहा है, ठीक है, लेकिन इसे किसने टॉप किया है? तो इसके चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी नॉर्वे ने इसको टॉप किया। और भारत का क्या रैंक रहा है 131। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाल ही में लेजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड किस देश के प्रेसिडेंट से मिला है? क्या वो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते ये अवार्ड जो है पीएम मोदी को दिया है। इसके अलावा ये अवार्ड जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर, इससे पिछले प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे उनको भी दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को भी दिया है लेजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड। तो जरूर आप नोट डाउन कर ले। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ $500 मिलियन विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स? तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स को प्रमोट करने के लिए, उसके लेंथ को बढ़ाने के लिए ओवरऑल किसने जो है ये साइन किया है, भारत ने किसके साथ है $500 मिलियन का लोन साइन किया है? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB या AIIB? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी वर्ल्ड बैंक के साथ ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है $500 मिलियन का, बेसिकली ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और आखिरी में है, इंडियन आर्मी ने किसके साथ अभी MOU साइन किया था बेसिकली मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए? ठीक है, ताकि जितने भी हमारे इंडियन आर्मी में काम करने वाले पर्सोनल से उनकी सैलरी जो है डायरेक्ट किस बैंक के थ्रू जो है उनके साथ टाइप किया है, चाहे वो SBI है, PNB है, कैनरा है, या BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो इसका भी आपके साथ डिस्कस किया था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भारत ने, इंडियन आर्मी ने ये MOU साइन किया है मिलिट्री सैलरी पैकेज। ठीक है, तो ये थे देखिए हमारे टॉप 50 क्वेश्चन 2020 के। मैंने कोशिश की कि जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि ये साल आपको पता है ऑलमोस्ट जो हमारे करंट अफेयर्स थे वो कोविड से रिलेटेड थे। ऑब्वियसली बात है इतने ज्यादा तो देखिए कोविड से नहीं आएंगे, तो इसलिए जितने भी और इससे अलावा करंट अफेयर्स थे मैंने कोशिश करा कि मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आऊँ। कुछ जो मैंने आपके साथ जिनके आंसर्स नहीं बताए वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है, नहीं मैं आपके साथ आंसर शेयर कर दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में ही सारे। ठीक है, इसके अलावा जो है आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, रोज मैंने आपको बताया मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ डिटेल में करंट अफेयर्स को लाते हैं, सैटरडे को क्विज लेके आते हैं, तो बस आपको बने रहना है। और आज क्योंकि 31st December था, लास्ट डे था 2020 का, तो मैंने सोचा कि आपके साथ पूरे साल के करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में डिस्कस किया जाए। ठीक है, आपके कितने आंसर्स करेक्ट रहे आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और उम्मीद करते हैं एक तो नए साल के लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर, और अगला साल अच्छा हो, 2020 जैसा ना हो, और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप इस साल एग्जाम क्रैक कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं takshilalearning.com, और हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।